भाजपा के सहकारिता क्षेत्र के नेता प्रकाश रत्न पारखी ने बताया कि सहकारी समिति के कर्मचारियों की मांगों पर सरकार मंथन कर रही है, जायज मांगों को पूरा किया जाएगा। भोपाल में शुक्रवार को सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया अधिकारियों से चर्चा करेंगे। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव के बुधवार को सहकारी सोसाइटी के हड़ताली कर्मचारियों के समर्थन के बाद भाजपा के सहकारी नेता भी सक्रिय हुए हैं। हड़ताली कर्मचारियों के बीच पहुंचे पूर्व जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष सहकारिता के नेता प्रकाश रत्न पारखी ने जिला स्तर की समस्याएं तत्काल हल कराने का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। आपकी मांगों के विषय में निर्णय हुआ कि नहीं हुआ, संजय जी ने बताया है कि बोले भाई साहब अभी तक कुछ भी निर्णय नहीं हुआ। ये मेरे को इसलिए पूछना पड़ा कि अभी रविवार के दिन जो है वो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की एजीएम थी। मैंने बताया कहीं भी कि आज ही सुबह मेरे रजिस्ट्रार महोदय से भोपाल बात हुई और मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि कुछ मांगे जो इनकी जायज है जिसके ऊपर सरकार निर्णय कर सकती है वो बातचीत का दौर चल रहा है और उसको पूरा करने का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी इनकी कुछ प्रमुख मांगों को मांग करके और देश भर में जो चल रही है प्रदेश भर में जो चल रही है हड़ताल उस प्रदेश भर की हड़ताल को समाप्त करके किसानों को जो परेशानी हो रही है उन परेशानियों को दूर करने के लिए प्रयत्न करेंगे। चुनाव का समय सभी सब लोगों की मांगे मानी जा रही लेकिन सहकारी कर्मचारियों की उपेक्षा कहीं ना कहीं देखी जा रही, तो आप क्या मानते हैं किस प्रकार के प्रयास करेंगे? नहीं, सहकारिता के कर्मचारियों की उपेक्षा वाला जो विषय है उसमें प्रदेश भर की स्थिति क्या है इसका तो आकलन मैं कल जाके करूंगा, पर मैं अपने खरगोन और बड़वानी जिले के विषय में कह दूं कि हमारी बहुत महत्वपूर्ण इकाई है ये पैक्स, और यदि पैक्स के कर्मचारी 9 दिन के धरने पर जब गए हैं तो तराही तराही मच गई है, तो कहीं ना कहीं हम इस चुनाव के दौर में इन कर्मचारियों के माध्यम से इन कर्मचारियों को सूझबूझ में ला करके ये प्रयत्न करेंगे कि किसान और इनको बाकी जो परेशानी हो रही है उसको दूर करें। प्रदेश में कल सब लोग जो है पैक्स में अपने अपेक्स बैंक में जो AGM है उसमें मिलने वाले हैं और मेरी बातचीत हुई है माननीय मंत्री जी से भी बातचीत हुई है, तो मंत्री जी ने भी कहा है कि भाई अपन लोग बैठ करके इसका कुछ ना कुछ हल निकालने का प्रयत्न करते हैं, कल शायद इनके यूनियन के लोगों को भी बुलाया जा सकता है और बातचीत करके इसका हल निश्चित ही निकलेगा ये मैं आश्वासन देगा। यह समितियां बंद पड़ी है सारी और अभी जैसे आपने कहा कि किसानों को और आम लोगों को भी बहुत समस्या है, बहुत परेशानी है, तो ऐसे में भाजपा की सरकार है आने और सामने विधानसभा चुनाव है। नहीं, अब क्या है एक्चुअल में कि विधानसभा चुनाव भाजपा की सरकार ये वाला विषय तो अलग हो जाता, इनका विषय तो मानवता का विषय है, सरकार किसी की भी हो जो ये मांग कर रहे हैं ये लंबे समय से चल रही है और इसलिए जो इस मांगों को मान लेगा उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो नहीं मानेगा उसके लिए खराब हो जाएगा। 60% वाली मांग होगी जो इनकी सबसे प्रमुख मांग है, हाँ क्या है, पूरी करेगी सर? हाँ, उसके लिए जो है सारे कॉरेस्पॉन्डेंट पूरे हो चुके हैं मेरी जानकारी के अनुसार और कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा शीघ्रता से एक निर्णय लेना है, यदि वो निर्णय हो जाता है 2-4 दिन में तो मेरे को लगता है कि ये काम हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।